संपूर्ण सब्जेक्ट को लेके इस किताब को लिखी गई है। और किसने प्रेरित किया, तो हमारे निर्माताओं ने प्रेरित किया, जो जिन निर्माताओं की वजह से ये कि पिक्चरें अटक गई, पूरी नहीं हुई। 30-35 साल हो गए मुझे इस इंडस्ट्री में, 30-35 साल में कई ऐसे निर्माता आए जिनकी खाली शूटिंग हुई, सेंसर में अटक गई, सेंसर हुआ, रिलीज नहीं हुई। और आज भी बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, स्टारकास्ट या किसी को भी, किसी की बहुत सारी फिल्में अभी भी अनसेंसर्ड पड़ी हुई हैं या किसी न किसी कारण से रुकी हुई। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हमारे किसी भी निर्देशक प्रोड्यूसर को, निर्माता को सही तरीके से शुरू में नहीं बताई जाती, और वो गलतियां हमने भी की। ऐसा नहीं है कि नहीं, क्योंकि वो पहलू अनछुआ रह जाता है किसी न किसी कारण से। और सिवाय निर्माता के, हर आदमी इस इंडस्ट्री का होता है जो इस फिल्म में काम करता है, सिनेमा में काम करता है। लेकिन एक निर्माता ही ऐसा शख्स है जो बाहर से आता है, बाहर ही रहता है, जबकि वो रीढ़ की हड्डी है फिल्म की। इसीलिए देखिए, आप कुछ घरानों को छोड़ दिया जाए जो रेगुलर फिल्में बना रहे हैं, वो घराने, उन घरानों के अलावा 44,000 निर्माता रजिस्टर्ड हैं हमारे एसोसिएशन में। लेकिन क्या 44,000 पिक्चरें मिलती हैं 4 साल में मिल जाए या 5 साल में मिल जाए, एक दशक में मिल जाए 44,000 फिल्में नहीं मिलती। कारण क्या है, आखिर वो प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, वो निर्माता करते क्या हैं, वो बेचारे डूब चुके हो। उनको नज़र में रखते हुए किताब लिखी गई थी। जब लिख रहा था तब ये नहीं पता था कि मैं कोई अजूबा काम कर रहा हूँ। लिखने के बाद मुझे पता चला कि मैं हिंदुस्तान का पहला इंसान हूँ जिसने इस सब्जेक्ट पर किताब लिखने की कोशिश की, और एक सुंदर सा गुलदस्ता तैयार हुआ। पहली बार कोई किताब लिख रहे हैं या पहले भी आपने कोई किताब लिखी थी विषय पर? हाँ, इसके पहले एक किताब और लिखी थी इसी सब्जेक्ट पर, इंग्लिश में, दैट वॉज फिल्म मेकिंग। और पब्लिक डिमांड पर इसको हिंदी करना पड़ा मुझे, और उसमें जो चीज़ें कमियाँ रह गई थी, क्योंकि वो पहली किताब थी मेरी, उसमें कई पहलू अनछुए रह गए थे, उनको भी इस बार पूरा किया। तो इस बार सबसे ज़रूरी कौन सा पहलू है जिस पर आपने फोकस किया है फिल्म निर्माण का, जो किताब में लिखा है? हर पहलू अपने आप में, जैसे आप सब्जी बनाते हो तो हल्दी, नमक, मसाला, मिर्च सब कुछ डालना पड़ता है ना, हल्दी, नमक, मिर्च, मसाला सब कुछ डालना पड़ता है। अगर उसमें कुछ भी कम रह गया तो क्या होगा, ना आप खा पाओगे ना फेंक पाओगे। तो ऐसे ही हर पहलू अपने आप में वेरी इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और कोई भी एक अपने आप में वो एक सब्जेक्ट इतना है कि एक किताब उन सब्जेक्ट पर लिखी जा सकती है, चैप्टर्स पर एक किताब लिखी जा सकती है। और शायद कुछ चैप्टर्स पर तो किताबें अवेलेबल भी हैं मार्केट में, ऐसा नहीं कि नहीं है। अब जैसे सिनेमाटोग्राफी, यू हैव द हेल ऑफ अ बुक, बहुत सारी किताबें हैं। डायरेक्शन पर भी बहुत सारी किताबें मिल जाएंगी, लेकिन इन ऑल क्लब टुगेदर एक भी किताब। ये इंडस्ट्री और नए निर्माताओं के बीच के पुल का काम करेगी ये किताब। दूसरा ये है कि अगर कोई पढ़ता है तो एक जानकारी भी हासिल करेगा कि फिल्म क्या है, क्योंकि इसमें मैंने फिल्म का इतिहास भी रखा है। जो जिस चीज़ पे आप ही, जैसे आप जाते हो कि कोई कपड़ा, मामूली कपड़ा खरीदने जाते हो बाज़ार में, तो पूरी थ्योरी उसकी निकालना चाहते हो कि क्या है, कितने दिन चलेगा, कितना कीमत है, कि कौन कौन पहनता है, इज़ इट ब्रांड वैल्यू क्यों आप ढूंढते हो, वही यू लुक फॉर ब्रांड, ब्रांडेड है, जबकि टेक्सटाइल मिल तो वही है ना, यान वहीं से निकला है, एक ही जगह से। लेकिन वही अगर डावर बना दिया तो इट्स अ ब्रांड, लाइफस्टाइल ने बना दिया तो इट्स अ ब्रांड। और वही एक हॉकर है जो बेचारा टेलर है, उसने शर्ट बनाई तो उसकी कीमत कम हो जाती है, क्यों भाई, यही डिफरेंस है इसमें। आपने खुद के अनुभव का देना चाहूँगा, आपने शुरुआत की इस क्षेत्र में, तो क्या चुनौती थी और कैसे शुरुआत की थी आपने क्षेत्र में, लेखक के तौर पर या फिल्माकार के तौर पर? लेखक के तौर पर तो कोई खास चुनौती नहीं थी, क्योंकि
मैंने लेखक था ना हूँ, लेकिन लेखक बना कैसे, बिकॉज आई वॉज अ स्क्रीन प्ले राइटर बेसिकली। बाबूदा जी का बड़ा एहसान है मुझ पर और उनसे ही मैंने सीखा। कहानियाँ लिखते लिखते कब किताब लिखने लगे पता नहीं। Attraction of the field. The glamour is the most, the famous obstacle for this industry. क्योंकि glamour ही attract करती है लोगों को इस industry की तरफ, और glamour ही मेरे ख्याल से सबसे बड़ा obstacle। तो कहीं ना कहीं professionalism lack करता है, जो professionalism होना चाहिए जो और industry में है। Even ये कहा जाता है कि हिंदी चैनल south industry में professionalism है या western country में देखा जाए तो वहाँ पे तो professionalism बहुत ज़्यादा है। देखिए professionalism आप किसको कहते हैं, when it is not आपकी इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज तो है नहीं एज एन इंडस्ट्री, जब रिकॉग्निशन ही नहीं है एज एन इंडस्ट्री तो वेयर द प्रोफेशनलिज्म लाइज। और हमारे यहाँ सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि हम इसको जो सबसे आवश्यक चीज़ है शिक्षण, उसको महत्व नहीं देते। अशिक्षित लोग भी सोचते हैं कि हम कर लेंगे, वो कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने कहा है प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो पहले तो गिरेंगे, फिर उठेंगे, फिर संभलेंगे, फिर गिरेंगे। अगर ऐसे करना है तो ठीक है, फाइन, कर सकते हैं आप, बना सकते हैं, लेकिन उसकी भी एक, किसी भी बिजनेस की एक एथिक होता है, वो उससे आप मिसिंग रहेंगे तो आप कैसे पूरा करेंगे। सर तो वो भी कम्प्लीट है। Congratulations, sir. In Kiliye.
Asia for your kind information. Yeah. Come from Malaysia. कागज भी दिखा देते हैं कि इंडिया में इतनी टेरिटरीज हैं, इतना पैसा लगा है, इतनी टेरिटरीज में आपको इतना पैसा आएगा तो आपकी पूरी रिकवरी हो जाएगी। लेकिन जब मार्केट में प्रैक्टिकल आते हैं तो उसमें त्रुटियां निकाली जाती हैं कि आपकी फिल्म में स्टार नहीं है, आपकी फिल्म में स्टोरी नहीं है, आपकी फिल्म में ये प्रॉब्लम है, आपकी फिल्म में वो प्रॉब्लम है। पैसा रिकवर होने की कोई गारंटी कहीं कोई नहीं लेता है, एक्सेप्ट फ्यू बिग बैनर्स। तो यह मोनोपोली और जो बिजनेस ट्रेड की जो रियल प्रॉब्लम वो कैसे सॉल्व होगी वो भी आपको इसमें है, इट्स देयर इन दिस बुक। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर एंगल और हर एस्पेक्ट को कवर किया गया है। और कॉर्पोरेट्स दे हैव मेड द पाथ बिट ईजियर, कॉर्पोरेट्स के आने की वजह से थोड़ी आसानी हुई है, लेकिन कॉर्पोरेट्स हुआ ऑल द कॉर्पोरेट्स आर ये जानना भी बड़ा मुश्किल तरीका है। पहली बात तो हमें यही नहीं पता होता कि विच ऑल कॉर्पोरेट्स आर इन्वॉल्व्ड, और अगर हैं तो मात्रा हमारे यहाँ जैसे स्ट्रेंथ है, जो पावर है हमारी मैन पावर, वो वीकनेस बन गई है। जो कॉर्पोरेट हमेशा, कॉर्पोरेट कभी भी बिजनेस करता है तो कॉर्पोरेट हमेशा उसको इकोनॉमिकली तौलता है कि व्हाट इज़ द रिटर्न आई एम गोइंग टू गेट, क्योंकि यहाँ चीज़ जो प्रोडक्ट है इट लाइज इन अदर्स हैंड, जबकि हर प्रोडक्ट कस्टमर्स के फेवर में ही होना चाहिए, फेवर्स का ही होना चाहिए। लेकिन ये जो क्लाइमेट इट्स नॉट नेसेसिटी इन लाइफ, ये जिंदगी की आवश्यकता तो नहीं है, इसीलिए इसमें दिक्कतें और बढ़ जाती हैं। फाइनेंस के अलावा उसको ज्ञान होना जरूरी है कि मेरी फिल्म में क्या क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, अगर नहीं है तो कहाँ से उपलब्ध होगी। ये जानकारी जब तक उसके पास पूरी नहीं है तब तक वो हमेशा मार्गभ्रमित रहेगा। और इस पिक्चर इसीलिए अगर मैं एक लाइन में अपनी किताब को डिस्क्राइब करूं तो ये निर्माताओं की सही मार्गदर्शिका है। और काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशन जो खुले हुए हैं, फिल्म प्रोडक्शन की ट्रेनिंग दे रहे हैं, फिल्म डायरेक्शन की ट्रेनिंग दे रहे हैं, मेंटोर्स रख रहे हैं, सेलिब्रिटी मेंटोर्स रख रहे हैं, ये सब जो चीज़ है ये कहाँ तक करते हैं आप? नहीं, इट्स
different field itself. Education हमारे यहाँ तो हमेशा ही freelance रहा है. You have a plenty of choice कि आप किसके institute में सीखोगे, कहाँ सीखोगे, और ये अलग-अलग विधा सिखाते हैं. लेकिन ये लोग film निर्माण नहीं सिखाते. You don't have any institute where you are producing producers. तो उनका division ही अलग है, उनका रूप ही अलग है, उनका कार्य क्षेत्र ही अलग है. और इस कार्य क्षेत्र को अनछुए कार्य क्षेत्र पर हमने काम किया है और हम चाहते हैं कि लोग जाने. थैंक यू वेरी मच. देखिए बुक का जो ये निर्माण कर रहे हैं उदय सेनापति जी, बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं वो. और उन्होंने ये सोचा कि हाँ कि मुझे ऐसे बुक लिखना चाहिए कि लोगों तक ये जो न्यू कमर हमारे आते हैं आउट ऑफ बॉम्बे से, यहाँ पे मुंबई शहर में माया नगरी में पहुँचते हैं, तो उनको ये चीज़ का एक नॉलेज तो हो हाँ कि भाई हम इस माया नगरी में कैसा काम होता है, कैसे लोग मिलते हैं, कैसे हमारी ये दुनिया फिल्मैन की है. तो वो सब चीज़ें इसमें हैं तो उनको ये जानकारी मिलती है उसमें. और बट बाकी तो सब पता ही है भाई मुंबई में कैसा यहाँ पे स्ट्रगल करना पड़ता है लोगों को, काम चल रहा है यहाँ सबका अपना. ऐसा कुछ नहीं है, बस अच्छे प्रोड्यूसर हो, अच्छे फाइनेंसर हो, अच्छे डायरेक्टर हो, अच्छा बैनर हो, ताकि हम उस आर्टिस्ट को वहाँ पे भेजें और आर्टिस्ट वहाँ काम करे तो आर्टिस्ट को लगे नहीं यार चलो भी हम एटलीस्ट फाइनली हम किसी अच्छे बैनर में पहुँचे, हम कहीं किसी अच्छे प्रोड्यूसर के हाथों में अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छे डायरेक्टर के साथ में हम काम कर रहे हैं. बस यही चाहिए उनको और क्या, उनकी ख्वाहिश ही होती भी हम अच्छा काम करें, अच्छे लोगों के साथ जुड़े रहें. हम ये मानते हैं आज पुराना जाएगा तो नया आएगा, पुराने डायरेक्टर प्रोड्यूसर बैनर जाएंगे तो नए लोग आएंगे. और इंडस्ट्री आज नए लोगों को सलाम कर रही है, उनको अच्छा काम दे रही है, अच्छा नाम दे रही है. तो इंडस्ट्री में ये तो एक सिलसिला चलता ही रहता है कि भी पुराना जाएगा तो नया आएगा, बट ये कि नए लोग भी अच्छे होने चाहिए इंडस्ट्री में. नए लोग आए तो अच्छा, अपनी अच्छी स्क्रिप्ट हो, अच्छी सोच हो, अच्छा काम करे वो, तो उन सब चीज़ों को लेके यहाँ पे लोग आते हैं और अच्छा काम करते हैं, अच्छी चीज़ें बनती हैं मार्केट में. अच्छी स्क्रिप्ट दिखे आजकल आ रही है हमारे, बहुत सारे ऐसे मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, मगर बहुत सारी स्क्रिप्टिंग अच्छी आ रही हैं, अच्छे एक्टर आज देखिए आप मार्केट में लाइन से हो गए हैं, तो कहानी अच्छी अच्छी मिलनी है भाई, आज सब एक्टिंग करने के लिए रेडी होते हैं उसमें. बात है.